कोई भी हो, चाहे भाई अगले बंदे नाबालिग वाली है, तो हम अपने आप देख लेंगे कि कौन है क्या है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू द चैनल, और स्वागत आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सारे जने ठीक होंगे, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। तो गाइज अभी ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं, मतलब स्कूल के लिए निकल रहा था, तो कुछ बातें थी जो बतानी थी, मतलब कि क्यों समझ लो सीन सा हो गया, लफड़ा सा हो गया भाई। सीन क्या था ना, देखो मेरी गाड़ी इधर खड़ी रहती है, बट हमारी गली में कोई है जो एक्सपायर हो गया, तो उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। तो जिस रीज़न की वजह से मैंने गाड़ी ना पीछे खड़ी करती थी, देखो ऑटो से पीछे खड़ी करती थी, एक बिल्डिंग है वहाँ पर। तो हुआ क्या भाई, आज है थर्सडे, हाँ तो मैं आया ट्यूसडे को स्कूल करके आया, गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी कर दी क्योंकि गाड़ी यहाँ पर एल्टो खड़ी थी। तो कल वेनेसडे की थी छुट्टी स्कूल की, 30 थी कल, तो आज है थर्सडे। तो भाई आज सुबह जब मैं मतलब आया गाड़ी के पास, सुबह 6:10 हो रही थी मेरे ख्याल से, ठीक है, तो राइट साइड की ना दोनों टायरों की हवा निकाल रखी भाई, निकाली उसी ने है जिसकी बिल्डिंग के बाहर गाड़ी खड़ी थी। वहां पर ना बोर्ड नहीं लगा पड़ा था पार्किंग का, मतलब अब उन्होंने गेट पर बोर्ड लगा दिया कि गेट के सामने पार्किंग ना करें। तो इस चीज से मेरे को ये समझ आया कि भाई हाँ हवा इस बिल्डिंग में से किसी बंदे ने निकाली, ये नई बिल्डिंग बनी है ठीक है, और यहाँ पर लगा पड़ा एक कैमरा जिसकी दो दुकानें, मैंने दुकान वालों से पूछ लिया यहाँ पर कैमरा लगा पड़ा, मैं कैमरे में चेक करूंगा कि हवा किसने निकाली है। देखो भाई चलो किसी की बिल्डिंग है, गली मोहल्ले में है कि भाई तुमने मेरे घर के आगे लगा दी, हमने किसी के घर के आगे लगा दी, ये सब होता है। अगर गाड़ी किसी और की है बाहर किसी मोहल्ले की, तो चीज़ समझ आती है। गाड़ी के पीछे नंबर लिख रखा है, जैसे दिखा आपको बोर्ड इस पे दिख रहा हो कोने में, ये देखो ये लिखा पड़ा नंबर, ये वाला गाड़ी के पीछे नंबर लिखा पड़ा है भैया का। अगला बंदा कॉल भी कर सकता था, पहले भी मैंने इस बिल्डिंग के आगे गाड़ी लगाई है, तो दूसरे बंदों ने कॉल करी है तो मैंने गाड़ी हटा दी है। अगला बंदा कॉल कर सकता था, बंदे ने दोनों टायर की हवा निकाल दी। अब गाड़ी में एक टायर एक्स्ट्रा होता है, दूसरे टायर का भाई जुगाड़ करा, मतलब तीन स्कूल करता हूँ मैं, तीनों स्कूल लेट हो गए, इतना परेशान हुआ, दोनों स्टेपनी चेंज करी, तो मैं पता भाई टायर स्टेपनी चेंज करने में हालत खराब हो जाती है। लगाना निकालना, पहले मैंने दो टायर निकाले, फिर दो टायर लगाए, फिर जो मतलब उनमें हवा डलवा के लाया, फिर दोनों टायर लगाए, फिर एक स्टेपनी में लगाए, घर रख दिया, मतलब सीधी साथ बहुत परेशान हुआ मैं, बहुत परेशान हुआ भाई उस बंदे के चक्कर में। चलो वो चीज़ इग्नोर करते हैं, वो सारी चीज़ें इग्नोर करते हैं कि उस बंदे ने हवा निकाली है, वो सब चीज़ इग्नोर करते हैं। सबसे मेन चीज़ गाड़ी के पीछे नंबर नहीं होता तो समझ आता है, गाड़ी के पीछे नंबर था भाई, उस बंदे को कॉल करनी चाहिए थी। और उसके बाद उस बंदे ने हवा निकाल दी, उसने निकाल दी हवा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि भाई स्कूल की गाड़ी है, या पता हो जानबूझ कर कराए किसी ने, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसे ये भी पता था स्कूल की गाड़ी है या नहीं, जिस वजह से भाई स्कूल लेट हो गए, सारे बच्चे लेट हो गए, जिस वजह से मैं भी बहुत परेशान हुआ, बच्चे भी, इतने पेरेंट्स के फ़ोन आए भाई कि भैया आए नहीं अभी तक, आए नहीं आए नहीं। तो भाई जिसने भी हवा निकाली कोई दिक्कत नहीं, वो तो पता चल जाएगा उसका, तो खैर कर देंगे इलाज अपने आप, है ना, कोई भी हो चाहे भाई अगले बंदे ने हवा निकाली है, तो हम अपने आप देख लेंगे कि कौन है क्या है किस रीज़न से हवा निकाली गई है, और हवा निकाल के अगले बंदे को क्या मिला। मैं बहुत गुस्सा आई थी, बहुत परेशान हुआ था मैं उसके चक्कर में, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे जो भी होगा अपने आप सिस्टम कर देंगे साढ़े का, कोई सही भाई फिर अगला, ठीक है। तो फिर एक बार मैं स्कूल कर दूँ भाई, चलो जी चलो जी चलो जी, ठीक है जी। तो गाइस फाइनली भाई घर आ चुके हैं, अपना काम वाम सब खत्म हो चुका है, एक घंटा हो गया हमें घर आए हुए, तो इतने में तुम्हारा भाई मतलब खाना वाना खाया, और नींद आ रही थी मेरे को, सोया नहीं क्योंकि भाई मैंने जो सीन बताया था सीन हुआ सुबह, उसकी वजह से आज मैं सुबह सो भी नहीं पाया, वैसे मैं सो जाता हूँ आधे एक घंटे, बट आज नहीं सो पाया। तो भाई सीन ये है कि नींद आ रही है मेरे को, बट मैं सो नहीं रहा क्योंकि अगर मैं सो गया तो फिर जिम नहीं जा पाऊँगा। बट सीन क्या है, बंदे फ़ोन नहीं उठा रहे यार, जो साथ जाते हैं ना फ़ोन नहीं उठा रहे, बुआ का भी फ़ोन नहीं उठा रहा, दो तीन भाई हैं वो फ़ोन नहीं उठा रहे, पता नहीं कहाँ है सारे, स्नैप देखी थी मैंने सारे बाहर थे, मेरे को लगा आ गएंगे बट फ़ोन भी नहीं उठा रहे। तो अकेले जाऊँ मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि अकेले चले जाऊँ, कोई लड़का है नहीं साथ में जाने का, तो क्या करें भाई अकेले ही जाना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा था आपको सीन हुआ है भाई, कैमरे वैमरे वहाँ पर लगे थे बट वो हटा दिए कुछ दिन पहले कैमरे, तो वहाँ पर कोई कैमरा है नहीं, बट तुम्हारे भाई ने एक सिस्टम कर दिया, मतलब कि उसकी भी जल जाएगी, ऐसा काम कर दिया तुम्हारे भाई ने। और होल्ड में लगाऊंगा गाड़ी वहाँ जाके, बस पता चल जाएगी मतलब करा किसने ये काम, है ना। बाकी एक बार मैं जिम सोया हूँ, फ़ोन लेके जाता बट फ़ोन में बैटरी नहीं है, आने के बाद शेक वेक पियेंगे, बाकी शाम का मैटर देखते हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं जिम होया हूँ, कोई नहीं मिल रहा तो अकेले चले जाता हूँ मैं। तो भाई जिम की टी शर्ट पहन के भाई रेडी, हाँ अपर डाल दिया लोवर, तो कुछ चल रहे हैं अभी जिम, और मैंने एक
लड़का दौड़ लिया, पंडित जी दौड़ लिए हमने अपने, मतलब बिल्कुल साधु संत नहीं, पंडित नाम रख रखा है, उसके साथ जा रहे हैं। जब उससे पहले मेरे को ना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की करवानी है, थोड़ा किसी चक्कर में देनी है, समझ जाओ क्या चक्कर है, कचहरी। ठीक है जी, फिर चलते हैं, पहले फोटो क्लिक करवाते हैं, फिर चलते हैं जिम पर, फिर आने के बाद शेक लेंगे डाइट है जी। तो जी आज का वर्कआउट डन पंडित जी के साथ, ब्लॉग की क्लिप देख लो जी, तुम मेरा डोला बट मार दे भाई, तुमने वो है फुसे होल्डर डोला कहाँ दिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या करे सारी मिक्स लगती है, बिल्कुल भाई असर तो सर, बारिश हो जाए मजा आ जाएगा अब भाई, घर जाएंगे शेक वेक पीएंगे डाइट, तू की खाएगा शेक ही जाएंगे भाई, केले वेले लेंगे, और फुल गर्मी लग रही है इसमें देखो, चुपक रही है, मान लो भाई आदत खराब हो रही है, और समझे स्विमिंग पूल जाने के पैसे नहीं, अपना दिल तो ऐसा कर रहा है यहीं घुस जाऊँ, गए तो अभी हो गए थे संडे को, गए थे हाँ संडे को, अरे मैं तो जाने को चले जाऊँ, तेरे को आशीष पहले आशीष और मैं जाते थे, अब वहाँ से आता सो जाता, साथ में जाने वाला अच्छे को है, चलो भाई घर चलते हैं, शेक वेक लेते हैं, डाइट लेते हैं अपनी। आजकल के टाइम में ना मतलब अगर यार दोस्त भी साथ में बैठे हो तो देखो दोनों फोन में लगे और ये भी फोन में लगा, तो मतलब प्यार मोहब्बत रही नहीं है रिश्तों में, ब्लॉग बना रहा हूँ ये, हम कोल्ड ड्रिंक फ्लैश करते हो, कितनी प्यारी लग रही है, आईडी दिखी भाई लड़कियों की 10-15 सारी तो लड़की थी इसमें, मैं वही तो चीज़ कह रहा हूँ कि मतलब आजकल रिश्ते कैसे होते, देख पंकज फोन में ये फोन में दोनों, ये देखिए कैसे मुस्कुरा रहा भेड़ा साड़ा, होट भी इतने बड़े आ रहे हैं जैसे इधर हमारा प्यार हो, और तू भी फोन में और ये भाई भी फोन में बाहर, और मैं कोल्ड ड्रिंक में, मैं तेरे फोन में हूँ, मैं इसके फोन में हूँ, तो ये बता मेरी स्नैप कैसी थी, वो फोटो बढ़िया नहीं आई थी, पासपोर्ट साइज तेरा आएगी कचहरी, अब बाकी तुम समझदार हो, बाकी चताने वाली बात हो जाएगी व्लॉग में, कुछ ज्यादा ऐसे कर दे समझ रहे हो, इतने बहुत है एंड। पंकज जी तुमने देखी थी इसने बोली पासपोर्ट साइज नहीं देखी, कैसे लग रही फोटो पासपोर्ट साइज, बढ़िया देख बिखर के साड़ा लीचड़ देख लगी, व्लॉग में आ गया अब तो, ये टाइटल ये डाल दूंगा, कुणाल ने पीते पीते गिराई हराम की पेप्सी, अरे उसे फोन कर दे एक बार मनीष का आ जाए तो, टैग तो कर दूंगा मैं कह रहा हूँ, फोन कर देगा, हमारी पेप्सी पी के में कितना झूठ बोल रहा है, पेमेंट दिखा दे भाई, बड़े भाई की तो मंगाई हमारे ने पी, तो बड़े भाई हमारे नहीं, हमारे नहीं है, यहीं से तो पता चलती है सोच तुम्हारी, यहीं से तुम्हारी सोच पता चलती है, सोच इनकी है, इनकी सोच है, हाँ ये हमारी सोच है इनकी, अभी बात ऐसी रही ना हमारा इसने कर दिया हमारा, मेरी बात तो सुन भाई, तो मैं कह रहा हूँ इसने बोल दिया हमारा हमारा है हमारा है, तो क्यों लिख रहे हैं, उसने तेरे को भगाया वहां से, कह रहे हैं कह रहे उठ ना लाल लोअर पैर के आ जाते हैं, तूने टोपी को पैर रखी भाई, देखा इसमें ब्लैक ही लग रही है ये तेरी टी शर्ट, तू कह रहा था ना ग्रे ब्लैक, ये हाँ लोअर में उसमें लोअर कह रहा हूँ ब्लॉग में देखियो कल के मैं ब्लैक ये खराब है, पंकज भी तो नहीं लिखा है, क्यों खराब क्यों भाई, धागे उगड़ रहे पंकज, तू भी नहीं लाया शायद पुरानी है, पंकज का था डोला चमक रहा है, अच्छा ब्लॉग में आवाज़ हो गई, अब ब्लॉग बंद करने के बाद बोलेगा कि रहने दे मजाक कर रहा था भाई, स्पोर्ट्स शूज स्पोर्ट्स शूज लेके आएगा, स्पोर्ट्स शूज संडे को मेरे को भी कुछ लेकर आना, अरे अरे संडे से सोच यार सदर नहीं जाना क्या तुम्हें, ओ सदर नहीं जाना क्या तुम्हें, पतंग वतंग नहीं लेके आनी क्या मैं,
तो सारे आम जियो छत पे आए पर जियो देखने भी बताना तेरे से नहीं कह रहा हूँ निखिल लेट हो गया लक्की को फोन कर कहाँ पर घूमने का अरे वो मेरी तरफ तनब लोग इतने हमेशा कर दी वो हरकत ले लेते चलना है ना तेरे को ले जानी है पतंग मंजर सदर से देखते हैं भाई बोलेगे उसको लक्की घर ही जा रहा है क्या भाई लक्की को हम जो हम बनाएंगे प्लान सदर जाने का पतंग मंजर लेके आना 15 अगस्त आने वाला भाई अरे अंशु को लेके कौन जा रहा है वहाँ पर मैं तो इसे लेके थोड़ी जाना है तो इसे लेके नहीं जाएंगे अरे कल चल रहे हम नहीं जाता रहेगा बात क्या चाहता वो नाचते नाच कौन नाच रहा था फिर वो नाच रही थी क्या तेरे साथ वो नाच रही थी क्या वो नाच रही थी क्या वो नाच रही थी तेरे को जरूरत ही नहीं है मेरे को किसी के साथ जाने की मेरे को किसी के साथ जाने की जरूरत ही नहीं है छिड़ गया चिम डमाक डम डम चिम डमाक डम डम अरे लगता ही मनु से इसे ब्लॉग में नहीं लूंगा लगता ही मनु से फोन कर ले उसे पूछ ले आ रहा हो तो फोन कर ले आ रहा हो तो भाई यहाँ पंकज जी बैठे थे ये देखो ये बैठे थे यही बैठे थे यूं नहीं कि भाई इनके इसलिए कोई बोल रहा है यही बैठे थे और जी देखो ये आवाज कम की जा रही है मिनी में इसमें इतना तो वजन मिनी में इसमें तो दे देना देख खचरा भाई बड़ी नुकसान हो गया भाई तुम्हारा भाई फूक देता है इसकी फूक ये दोनों बैठे ना फूक देता उनकी फूक बातों बातों से वो वाली लगा दो वो गाना कौन सा है मेरा कातिल बदमाश दस्ते एनिमल गाना ना साड़ा फूंक दूंगा इनकी अब कुछ ना कर पाएंगे बस भूल सके ऐसे कर जैसे 200-300 आ जाए ना तब भी बस हंस ही सकते हैं साथ और कुछ नहीं कर पाएंगे शरीर वरीर की दोस्त दिखा दो मारूंगा और साड़े अब इग्नोर कर रहा बातों को बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें देखूंगा मैं दिन रात भर तो भाई फाइनली भाई घर आ चुके हैं और कुछ दिन से तुम्हारे भाई की ऑयल स्किन हो गई है पता नहीं क्यों चलो कोई चक्कर नहीं फिलहाल इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ उम्मीद करता हूँ व्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट शेयर जिंदगी जियो मजे में मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में ठीक है जी राम राम।